भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद काम आए हमारे विधायक साहब के दंपति कल्पना और यहाँ पर पधारे हुए युवा मोर्चा के विधानसभा के युवा कार्यकर्ता सभी एक जगह सम्मिलित हुए हैं। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहूँगा कि हर चुनाव की जीत और विजय निर्भर करती है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के ऊपर करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख घराव दस्ता कहा जाता है तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा हर जीत का फैसला तय करता है, वो भली विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, और इन सभी में हमारे युवाओं ने जितने भी चुनाव अभी हुए हैं सभी में युवाओं ने बहुत ही दमखम लगा के भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। अभी हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में हमारे नाथद्वारा विधानसभा के दोनों कॉलेजों में एबीवीपी ने जीत दर्ज करके यह बता दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश का युवा चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो उसे अकेला तो पूरा कर नहीं सकते, हम सभी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि पूरा कर सकते हैं। और इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी विश्वास दिलाता हूँ कि युवा शक्ति पूरी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और इस देश को बहुत जल्द हम कांग्रेस को मुक्त भारत घोषित करेंगे। मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे कहना चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा था, इसलिए मैं यही कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि उठो कृष्ण की तरह तुम्हें भी रण का शंख बजाना होगा, उठो कृष्ण की तरह तुम्हें भी रण का शंख बजाना होगा, यहाँ शांति से शांति ना होगी। मैं नाथद्वारा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि यहाँ शांति से शांति ना होगी, तुमको रण बजाना होगा, तुमको रण बजाना होगा। और इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम पार्टी में जोड़ने की जरूरत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, अगर अभी से गिनना शुरू करें तो शाम हो जाएगी, अपन इतनी योजनाएं एक साथ गिन भी नहीं पाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन का योजना चलाकर युवाओं को रोजगार देने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। 12 रुपए में बीमा देने का काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। उज्ज्वला योजना माता बहन ने अपने खाना बनाती थी तो खड़ा हो जाती थी, उनकी भी प्रधानमंत्री माता बहनों को ये बहुत ही बड़ा योजना का लाभ मिला है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी एकजुट होकर जो हमारे विधायक साहब कल्याण सिंह जी के समय हम लगे थे उसी दुगनी मेहनत से हम इस चुनाव में लगे और हमारी जीत निश्चित कर सके हम आने वाले विधानसभा चुनाव में। और यहाँ से हम विधायक बनाकर भेजें
प्रदेश में सरकार बनेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मैं आप सभी से इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक ही आवाज देना चाहूंगा कि यदि तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो बाण का पथ मोड़ सकते हो। युवा साथियों, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। तो ये करके दिखाना है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के विधानसभा से सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय संदीप जी श्रीमाली, इन्होंने अपने उद्बोधन से जता दिया है कि युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे देश में बदलने की बात हो, चाहे देश में फिर से भाजपा सरकार लाने की बात हो, देश को एक नई दिशा देनी हो, देश का विकास करना हो, सब में युवा शक्ति, सब में सभी कामों में युवा शक्ति का सहयोग इन्होंने मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी भाई साहब। अब आगे के उद्बोधन के लिए मैं एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने बलबूते पर राजसमंद में भाजपा युवा मोर्चा को एक नई ऊंचाई प्रदान की है और हमें